देखो ए सुनना, फोन कोई चलाना मत, कोई बात करना मत, समझे बात को? आज अपन लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस चैप्टर में मायने ये नहीं रखता कि बुद्धिज्म और जैनिज्म तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। इस चैप्टर में मायने ये रखता है, मतलब इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर बुद्धिज्म और जैनिज्म उसी समय पर क्यों आया। और मैंने कल आप लोगों को ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी कि महाजनपद पीरियड जब चल रहा था, यहां ध्यान देंगे आप लोग, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, महाजनपद पीरियड जब चल रहा था, इसलिए मेरे लिए भी कुछ मैं आप लोगों को कल बताया कि इस चैप्टर में ये मायने नहीं रखेगा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म तुम्हें कितना आता है। यहां लिख दूंगा बुद्धिज्म, यहां लिख दूंगा जैनिज्म, आधे घंटे का टॉपिक भी नहीं है। मायने ये रखता है कि इस महाजनपद पीरियड में बुद्धिज्म और जैनिज्म क्यों आए, और उसके मैंने मेनली दो कारण आपको बताए थे कि जब जब समाज में बुराइयां आएंगी उस बुराइयों को काउंटर करने के लिए कुछ अच्छी चीजें जरूर आएंगी, समझे बात को? और उस समय पर समाज में जो बुराइयां थी वो बुराइयां ये थी कि उस समय पर अब जो राजा होता था वो राजा किसी दूसरे राजा या उसके साम्राज्य को कैप्चर करने के लिए वहां पर अटैक करता था और सारी मानवता की हदों को पार कर देता था। ह्यूमैनिज्म नाम की चीज उस समय पर राजाओं के अंदर नहीं थी, मतलब मानवतावाद लोगों के अंदर उस समय पर नहीं था। हर कोई अपनी पावर को शो करने के लिए एक्सट्रीम तक चले जाता था, और कभी भी जब कोई एक्सट्रीम पे जाएगा और वो किसी का नुकसान करेगा तो उसका अंत होना तय है, चाहे वो कितने ही बड़े साम्राज्य का राजा क्यों ना हो। नेपोलियन का भी अंत हुआ था, हिटलर का भी अंत हुआ, एक्सट्रीमिज्म का अंत होगा ही होगा अगर आप उसको फॉलो करते हो अच्छे से, तो आप बच जाओगे या सर्वाइव कर जाओगे। भगत सिंह के पीछे हाथ धो के पड़े थे सब लोग, क्यों? एक्सट्रीमिस्ट थे एकदम, सब लोग को पता पड़ गया था, ओपन हो गए थे ना, इसलिए कहता हूं कभी भी ओपन नहीं होना किसी के सामने। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म पहला कारण तो ये, क्योंकि राजा क्रूअल थे और सारे ह्यूमनिज्म को क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए थे, बड़ा एक्सप्लोइटेशन किए लोगों का, लोगों के राइट्स का, लोगों को डिवाइड करने का काम किए। इसकी वजह से लोगों को अपने अधिकारों के बारे में समझ आने लगा। आप किसी को एक समय तक परेशान कर सकते हो, लेकिन एक समय बाद क्या होता है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, आखिरी में वही चीज फिल्टर होकर रह जाएगी जो सच होगी, समझे बात को? इसके बाद में दूसरा कारण मैंने आपको बताया था कि जब धर्म नए आएंगे तो उन धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए, उन रिलीजन्स को आगे बढ़ाने के लिए या तो जनता को अप्रोच करना पड़ेगा या फिर राजा को अप्रोच कर लो, क्योंकि राजा कोई चीज बोलेगा तो जनता मानेगी मानेगी। तो दो कारण थे जब नए धर्म का उदय हुआ। पहला कारण सॉलिड था क्योंकि नए धर्मों का आना जरूरी था, भाई इतनी हत्या हो रही, इतने मर्डर हो रहे, इतने लोगों को मार दे जा रहा है, बेटा अपने बाप को मार दे रहा है, फिर वो उसका बेटा उसको मार दे रहा है, कुछ भी सिस्टम चल रहा था, इन सब पे लगाम लगाने के लिए नए धर्मों का उदय होना जरूरी था। तो भैया जो पुराने धर्म थे बेकार थे? नहीं बेकार थे, फॉलोइंग्स जो थी वो अच्छी नहीं थी। बौद्ध धर्म पाली लैंग्वेज में फैला, उस समय पर लोग उससे फेमिलियर थे। अब हिंदू धर्म संस्कृत में फैल रहा है, लोग उससे कम फेमिलियर है। कोई भी चीज का प्रचार तब होगा ना, तब लोग उसको समझेंगे। जब मैं आपको अभी इंग्लिश में बोल के समझाऊं, एक मिनट लगेगा, वो उठ के चले जाओगे। पहली बात तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, समझा आपको? तो आप जिस चीज से फेमिलियर हो उस चीज में आपको समझ। तो बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, आज अपन बुद्धिज्म के बारे में,
बौद्ध धर्म के बारे में, और आज ही बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा मैं ये गारंटी नहीं देता, क्योंकि आज तो बौद्ध धर्म का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे उसकी टीचिंग्स। तो आज का दिन तो इंपॉर्टेंट है ही, कल का दिन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का दिन तो इंपॉर्टेंट है ही, कल का दिन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ोगे उसकी टीचिंग्स। टीचिंग्स में क्या होगा, आपको अपनी पर्टिकुलर लाइफ में भी कुछ चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए मिल जाएंगी जो जरूरी है। समझे बात को? तो यहां से जब अपन बौद्ध धर्म की ट्रेवलिंग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ एक दो तीन दिन बाद जब जैनिज्म भी कंप्लीट होने लगा, इस वीक तक आप लोगों को ये समझ में आ कि हाँ आखिर कोई धर्म भी है ना, कोई भी धर्म ना किसी को गलत सिखाता है, और ना किसी धर्म का कोई ग्रंथ किसी समाज को बांटने की कोशिश करता है। कोई भी धर्म फोर्सफुली किसी भी चीज को इंप्लीमेंट नहीं कराता। तो कोई भी धर्म उदय करे, मतलब राइज करे, कोई भी धर्म डिक्लाइन जाए, भाई कोई धर्म डिक्लाइन नहीं जाता। समझे बात को? कोई धर्म ना पीछे जाएगा ना कोई धर्म आगे आएगा, सब बराबर है। लोग बोलते हैं क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस लोगों की क्वांटिटी बड़ी है, लोग बोलते हैं इस्लामिक लोगों की बड़ी है, बौद्ध लोगों की बड़ी है, हिंदू लोगों की बड़ी है। पॉपुलेशन बड़ी है तो क्वांटिटी बड़ी है, सीधी सी बात है। तो ना तो कोई धर्म बुरा होता है, ना कोई धर्म ग्रंथ बुरा होता है। मैं आज इस समय पर यही बताऊंगा, सबसे ज्यादा लोगों को ये जरूरत बताना है, ठीक है। अब इसके बाद में आखिर ना तो मैं हिंदुइज्म की बात कर रहा हूँ, ना मैं इस्लामिक की बात कर रहा हूँ, ना मैं क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ, ना मैं ज्यूज रिलीजन की बात कर रहा हूँ, ना फारसी की, ना सिख की बात कर रहा हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ बुद्धिज्म और जैनिज्म की। पैरेलल आए दोनों, लेकिन एक खासियत बौद्ध धर्म में और एक खासियत जैन धर्म में। जैन धर्म पहले से भी चला आ रहा था, सुन लेना बात को, जैन धर्म पहले से चला आ रहा था, लेकिन उसकी फॉलोइंग्स इतनी नहीं थी। समझे आपको? जैसे तुम पैदा हुए, तुम्हें मालूम है करेले की सब्जी बन रही है, लेकिन खाते हो नहीं, कम खाते, लेकिन एकदम से पांच लोग खाने लग जाए घर के, सब रोज करेले की सब्जी खाए, ऐसा हुआ एकदम। समझ गए गणित? तो पहले नहीं मान रहे थे, लेकिन जब समाज में क्रुएल्टी बढ़ी तो धर्मों की इंपॉर्टेंस भी बढ़ी। तो जब जब बुरा होगा लोग धर्मों की तरफ ही भागेंगे, समझे आपको? और बुरा तो हमेशा होगा, नहीं तो आप भगवान को याद क्यों करोगे? अगर अच्छा हमेशा होए, मैं लिख के दे दूं, आप भगवान को याद ना करो। इसलिए समय समय पर भगवान याद दिलाता है, बेटा मैं हूं, तुम ही नहीं हो सब कुछ। संजय को सबका ईश्वर समय समय पर याद दिलाता है। तो महानता जब हासिल करो ना, तो रिलीजन को साथ लेके चलो, और रिलीजन की टीचिंग्स को। ये नहीं कि ये मेरा रिलीजन है तो दूसरा रिलीजन खराब है, क्योंकि कोई रिलीजन ये नहीं सिखाता कि दूसरा रिलीजन खराब है। ये सबसे पहली बात है, और ये हर किताब में लिखा है, हर ग्रंथ में लिखा है, हर जगहों पर लिखा है। आपकी इच्छा है फॉलो करो, नहीं इच्छा मत करो, बात करो। अभी ब्रिटेन में तो लोग नास्तिक पैदा हो रहे हैं, नास्तिक मतलब कोई धर्म ही नहीं लोगों का। आने वाले 25 साल बाद ब्रिटेन में मेजोरिटी हो जाएगी कि वहां पे लोगों का धर्म नहीं होगा। सोचो जिस देश में लोगों का धर्म नहीं है, सोचो आप ब्रिटेन का धर्म, सोचो जिस देश में लोगों का धर्म नहीं होगा, उस देश में लोगों का धर्म होगा पैसा, और फिर फैलेगा अत्याचार, और जब फिर क्रूरिटी फैलेगी, फिर वापिस से धर्म वापिस आएगा हाई। समझे आपको? तो ये क्या है, एक फॉलोइंग से कि भाई एक बार बुराई उठती है तो बुराई को खत्म करने के लिए अच्छाई आती है, फिर अच्छाई को लोग वापिस से भूलने लगते हैं, फिर वापिस से बुराई आती है। ये समय समय पर याद रखना है। पीक चल रहा है अभी ब्रिटेन में, लोग धर्म नहीं फॉलो कर रहे हैं, चर्च वर्च में नहीं जा रहे लोग। अब वहां पे जो है 25 साल बाद मेजोरिटी 50% ज्यादा लोग वहां पे नास्तिक हो जाएंगे, और जैसे 50% ज्यादा नास्तिक हुए, वहां का प्रधानमंत्री नास्तिक, चुनाव में वोट कर देंगे 50% ज्यादा लोग नास्तिक।
सारे चर्च वर्च की इंपॉर्टेंस खत्म, ताले लग जाएंगे और फिर वहां फैलेगा कैपिटलिज्म, जो आज भी था, पहले भी था ब्रिटेन में, लेकिन ऐसा कैपिटलिज्म जहां पे धर्म ना हो, मारेंगे एक दूसरे को, क्योंकि जब लोग अधर्मी हो जाएंगे तो कौन से रूल फॉलो करेंगे। धर्म आपको नियम बताता है, धर्म आपको नियम में बांध के रखता है, धर्म आपको रहना सिखाता है, बोलना सिखाता है, बात करना सिखाता है, रिस्पेक्ट करना सिखाता है। क्यों अपने धर्म में उपवास है? रमजान का महीना होता है एक महीने का, नवरात्रे होते 9 दिन के, क्यों? सावन होता है एक महीने का, बताता हूँ क्यों। क्योंकि उस समय पर पूरे साल में अपन लोग जो कंजम करते हैं, एक समय ऐसा होना चाहिए कि अपनी बॉडी रेगुलेट हो। जब आप सुबह शाम तक भूखे रहते हो ना, तो अपनी बॉडी स्टार्वेशन में चली जाती है, सूखने लगती, सिकुड़ने लगती है, और अपनी बॉडी के सेल्स अपनी ही बॉडी को खाने लगते हैं। तो जब अपनी बॉडी अपने बॉडी के सेल्स को खाएगी, तो सबसे पहले खाएगी मरे हुए सेल्स को, डेड सेल्स को, जिसकी जरूरत बॉडी में थी नहीं। इसलिए जरूरत है व्रत रखने की, इसलिए व्रत रखे जाते हैं कि आपकी बॉडी के जो डेड सेल्स हैं वो आपकी बॉडी कंज्यूम कर ले और वेस्ट मटेरियल के थ्रू निकल जाए। ये तो आपकी बॉडी में डेड सेल्स भरे पड़े हैं, क्योंकि आपके पास खाना जाते जा रहा है, आप कंज्यूम करते जा रहे हो, लेकिन भूखे हो तो आपकी बॉडी अपने आप एनर्जी कहां से लाएगी? डेड सेल को कंज्यूम करके। इसलिए लोग सुबह शाम को भूखा रहते, रात में खाते हैं, या शाम से लेकर रात तक भूखा, जो भी सिस्टम चलता है सबका अलग अलग। इसलिए व्रत होते हैं भाई, हर चीज के पीछे का साइंस है, समझा आपको। तो ना अभी तक मैंने धर्म की इंपॉर्टेंस, रिलीजन की इंपॉर्टेंस बताई। रिलीजन ना कोई बेकार होगा और ना किसी को खत्म करने की बात करेगा, सीधी सी बात है। अब इसके बाद में फिर बुद्धिज्म पे बात करेंगे। बुद्धिज्म की कहानी बड़ी अच्छी है, सरल धर्म है, बड़ा सरल है, सिंपल। आप अभी रोज फॉलो कर सकते हो बुद्धिज्म, मैं भी अभी फॉलो कर सकता हूँ बुद्धिज्म को, अभी मैं भी फॉलो कर सकता हूँ, तुम भी फॉलो कर सकते हो, आप भी फॉलो कर सकते हो, कोई भी फॉलो कर सकता है बुद्धिज्म को, जैनिज्म को भी कर सकता है। लेकिन अंतर सुनते जाना, जैनिज्म थोड़ा स्ट्रिक्ट है, जैनिज्म स्ट्रिक्ट है, नहीं तो बुद्धिज्म दुनिया का तीसरे नंबर का धर्म बन गया और जैनिज्म हिंदुस्तान भी 5वें नंबर पर है। उस एक समय पे उभरे ना, एक पीछे क्यों रह गया, एक आगे क्यों बढ़ गया? तो सिंपल होगा, लोग सिंपल लाइफ को जिएंगे कि कॉम्प्लेक्स लाइफ को। लोग वहां पे अत्याचार खत्म करके आए और खुद के साथ अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि जैनिज्म में मोक्ष प्राप्त करना मतलब क्या, एक्सट्रीम पे चले जाना। पर एक्सट्रीम पे कौन जाएगा? अब भगवान तो हो नहीं जो सहलोगे एक्सट्रीमिज्म। मोक्ष प्राप्त करना जैनिज्म में कैसा है? भूखे रह लो, मोक्ष प्राप्त करो, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कौन मोक्ष प्राप्त करेगा? उस समय पर चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चले गए थे, उस समय के राजाओं ने जब धर्म अपनाया ना, तो एक्सट्रीमिज्म को ही फॉलो किया। नदी में पानी की जल समाधि ले ली, नदी में समाधि ले ली, बैठ गए और चले गए। फिर धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुआ, बोले नहीं यार थोड़ा सुधारना पड़ेगा, अभी जैनिज्म पढ़नी है। जब जैनिज्म पढ़ोगे देखोगे और क्यों स्ट्रिक्ट, हर जैनिज्म हर कोई नहीं फॉलो कर सकता जैनिज्म को भाई, मैं बता रहा हूं सबसे स्ट्रिक्ट जैनिज्म। क्या बात कर रहे हो तुम? इस्लामिक रिलीजन, हिंदू रिलीजन, क्रिश्चियन, सिंपल है, जाना है भगवान को पूछना आना है, जैनिज्म में घर में ही पूछना है और बैठे बैठे ही पूछना है, चलते चलते भी पूछना है, बात करते करते ही पूछना है। कैसे बात करते करते ध्यान रखना मुंह में कोई मच्छर ना चले जाए, ये तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लोग तो जिन्होंने धर्म बनाया वो गलत थोड़ी है, क्योंकि वो तो किसी जीव की हत्या ना हो ये बोल रहे हैं। इसलिए जैनिज्म में सबसे पहले मास्क पॉलिसी, कोरोना में सबसे कम नुकसान जैनिज्म को हुआ, पहले से आदत थी मास्क पहनने की। बुद्धिज्म की बात करें, बुद्धिज्म की कहानी ना, ये जो स्टार्ट होता है सिस्टम बुद्धिज्म का, ये स्टार्ट होता है हिंदुइज्म से। अब मैं हिंदुइज्म का नाम नहीं लूंगा, मैं नाम लूंगा वर्ण का। इसका नाम हुआ वर्ण, और अपने यहां पर पिछले चैप्टर में पढ़ा वर्ण कितने टाइप के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो क्षत्रिय थे ये क्या करते थे? रूल। क्या करते थे? रूल करते थे, राजा लोग, सेवा करते थे, गिफ्ट देते थे, एक दूसरे को लेते थे, क्षत्रिय लोग। तो एक क्षत्रिय परिवार था,
नेपाल में, उस क्षत्रिय परिवार में, क्षत्रिय मतलब हिंदू, उस क्षत्रिय परिवार में एक राजा के घर में, एक राजा के घर में एक साधारण से बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन वो साधारण सा बच्चा साधारण नहीं था, ये पहले ही पंडितों ने बोल दिया था। अभी तो कुछ भी शास्त्र विद्या नहीं, पहले कितनी थी, हवाओं के मूवमेंट से सब बता देते थे, जानवरों के मूवमेंट से सब बता देते थे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। क्या पीक पे था वहां पे, शास्त्र लोग जो बड़े बड़े पंडित लोग थे उन्होंने राजा को बोला, बड़ी अच्छी कहानी भाई, और रियल कहानी है, इतिहास की सबसे अच्छी खासियत बताई क्या है, ये कोई भी दखियानुसी बात नहीं है, यहाँ पर नानी वाली और चाची वाली बुआ वाली मामी वाली कहानियां नहीं है पंचक की, पंचतंत्र की, यहाँ पर कहानियां सच है इसलिए मजेदार है। मैंने आपको पहले बता दिया था बुद्धिज्म की कहानी बहुत जोरदार है और ऐसी जैनिज्म की, लेकिन बुद्धिज्म की खासियत कि बुद्धिज्म है ना तो अवतारों में आया ना अगले अवतारों में गया, एक ही ने अवतार लिया और बुद्धिज्म की टीचिंग दी और चले गए। इसका मतलब समझे, सिख धर्म में अलग अलग गुरु आए, पहले गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, दसवें गुरु ने बोला। जैनिज्म में जो महावीर स्वामी है जिनके बारे में पढ़ेंगे ना जैनिज्म, वो 24वें नंबर के पढ़ेंगे, शुरू के 23 के बारे में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इम्पैक्ट, मैंने बोला इतिहास में उसी को याद रखा जाए इसका प्रभाव रहेगा, इतिहास में मोदी को याद रखा जाएगा, इतिहास में राहुल गांधी को याद रखा जाएगा, इतिहास में देखा जाएगा, असर ही नहीं है। चुनाव के समय सड़क बन रही है, पहले बनाओ ना, 2023 में दिसंबर में चुनाव है, 4 महीने पहले सड़क बना रहे, लोग बेवकूफ थोड़ी है, लोग बेवकूफ है भाई, फिर भी वोट देंगे। मैं तो कह रहा हूँ वोट ही मत दो ना, भले बीजेपी को नहीं कांग्रेस को ही मत दो, तब समझ में आएगा, जो 10% वोटिंग होगी दिमाग खिल जाएगा इलेक्शन कमीशन का। तो बुद्धिज्म की खासियत क्या, एक ही ने अवतार लिया, धर्म का प्रचार किया, धर्म के बारे में बताया। अच्छा, प्रचार तो बहुत भिक्षुओं ने भी किया, मॉन्क्स ने, वो तो प्रचार करेंगे ना संत लोग, लेकिन बुद्धिज्म को जनरेट किया एक इंसान ने, इंसान अब तो गॉड हो जाएंगे, जन्म लेंगे जब इंसान थे। इसका मतलब हिंदुस्तान की धरती ने ना इंसान नहीं संतों को पैदा किया है भाई, बड़े बड़े शेख यहां से निकले हैं, बड़े बड़े मौलाना यहां से निकले हैं, बड़े बड़े पंडित यहां से निकले हैं, बड़े बड़े संत यहां से निकले हैं। क्यों, ये संत कौन, जो मानव जीवन में रहते हुए उसी लेवल को पार कर जाए, उसी लेवल को पार कर जाए मतलब पौरुषत्व प्राप्त कर ले, पौरुषत्व मतलब पुरुष नहीं, पौरुषत्व मतलब होता है एक ऐसी जीवन शैली जिसको लोग फॉलो करें, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रभु श्री राम जन्म लिया राजा के घर में आम बालक की तरह, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने, पहले तो राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों, उन्होंने एक अपना पौरुषत्व बनाया। फैमिली टीचिंग सीखनी रामायण से सीखो, बड़े भाई छोटे भाई में प्यार देखना। मैं तो एकदम दुनिया में अगर सबसे सच्चा अगर कोई रिश्ता है तो भाई का है, सही कह रहा हूँ, बहनों के लिए भी और भाइयों भाइयों के लिए भी, बोलो माँ बाप नहीं, माँ बाप तो भगवान है भाई, मैं रिश्ते की बात कर रहा हूँ, और क्या डिफाइन करूँ, और क्या डिफर करूँ, माँ बाप तो भगवान है, उनकी कोई कंपेयर कर सकते हैं, जीवन में रहते, जीवन में रहते हुए अगर आपके सामने कोई है भगवान के रूप में तो आपके माँ बाप, तो सबसे अच्छा रिश्ता कौन सा, भाई का, मुसीबत में हर समय भाई खड़ा है, दो गाली सुन के भी जाएगा, सुना के भी जाएगा, दो चप्पल खा के भी जाएगा, घर मार के भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुसीबत में खड़ा है, सिर्फ मुसीबत में खड़ा इसलिए नहीं, दुख सुख बांटोगे तो भी। तो त्याग समर्पण उनकी भूमि है कौन, भारत, इतना बड़ा धर्म निकल के दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया बौद्ध धर्म, निकला कहां से, हिंदुस्तान से। तो यूरोपियन लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कुछ, इंडिया को लेकर डायरेक्ट आज तक कुछ नहीं बोला यूरोपियन ने, बोलते हैं दे आर डर्टी पीपल्स, दे आर ब्लैक पीपल्स,
फिर जब लिटरेचर की बात आती है तब कोई नहीं बोलते कुछ, कुछ बोलेंगे हम बोलेंगे आ जाओ हमारे पास प्रूफ है लो, हमारे पास 5000 साल पुराना इतिहास है, तुम्हारे पास कुछ इतिहास ही नहीं है। इसलिए तो एक सावन से परिवार में जन्म हुआ, नाम जन्म जब हुआ तो नाम था सिद्धार्थ। मैं सब लिखवाऊंगा टेंशन मत, मैंने बोला ना बुद्धिज्म पढ़ने लेवल आ जाएगा। पंडितों ने जितने भी लोग थे उन लोगों ने पहले बोल दिया, बोले ये जो इंसान जो पैदा होगा ये बहुत क्रांतिकारी होगा, या तो ये दुनिया को पूरा उजाड़ देगा या ये पूरा दुनिया को सुधार देगा, ये इसके हाथ में है। राजा सोचे कि एकमात्र तो मेरे औलाद हो रही है और वो भी दुनिया की भलाई करने अगर चले जाएगा तो ये मेरा इतना धन वैभव इतना साम्राज्य का क्या होगा। राजा अपनी जगह सही है, इंसान की जगह ये भी सोचूंगा, मैं भी सोचूंगा ना मेरा बेटा बाहर जाके समाज सेवा करेगा क्या मतलब है, चप लूंगी पहन के घूमेगा, कोई इसको खाना दे नहीं दे, इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के कहाँ जाएगा। तो इस पंडितों से उपाय लिया, बोले क्या करना चाहिए, बोले कुछ नहीं करना है, बोले घर से बाहर मत निकलने देना बस, क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकले वैसे दुनिया की असलियत पता पड़ जाएगी। आपको दुनिया की असलियत नहीं बतानी इनको, तो दुनिया की असलियत क्या थी उस समय पर, दुनिया की असलियत क्या थी बस एक लाइन में बता दो, क्रुएल्टी, लोगों के अंदर का दुख। और अगर ये दुख को समझ गया लोगों के तो ये निकल जाएगा लोगों की समाज सेवा करने। तब तो पंडितों को भी मालूम था कि नया धर्म उभर जाएगा, इतनी बड़ी समाज सेवा कर। बोले क्या करना है, बोले महल से बाहर ही मत निकालो ना, बड़े अच्छे अच्छी चीजें दिखाओ, घर के अंदर इतना सजावट करके रखो, कब कोई दुख वाली चीज नहीं होनी चाहिए, सुबह से शाम तक बिल्कुल हसमुख, ऐसा हो सकता है? इसका मतलब इतिहास क्या सिखाता है, आप जिस चीज के लिए बने हो ना एट लास्ट वही होना है, आप कितने ही अपने आप को रोक लो। और इसका मतलब कभी आपके साथ बुरा भी हो ना तो ईश्वर को बोलना ठीक है तूने अगर सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कोई बात नहीं, एक बार गलती कर लेना, दो बार कर लेना, मैं तो कह रहा हूँ 3 बार कर लेना, उससे ज्यादा मत करना यार, ठीक है गलती इंसान होगी कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग करोगे गलतियाँ, हम कितने ही समझा लें, पेरेंट्स कितने ही समझा लें, दोस्त कितने ही समझा लें, भाई बहन कितने ही समझा लें, इंसान जो चीज कह रहा हूँ ना एक्सपीरियंस से सीखता ना तजुर्बों से, तजुर्बों से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। और अगर ये बात अगर तुम हमारी मान रहे हो सब मान रहे हो इसका मतलब तुम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जा रहे हो, यही तो चीज सीखना लाइफ में कि गलतियां कम करनी है, क्या करना है कम गलतियां, और नहीं तो चोरी ऐसी करोगी पकड़ में ना है, बाकी मैं गलत नहीं सिखा रहा हूं लेकिन गलती हो जाती है ध्यान से रहना है। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि सिद्धार्थ ने जन्म लिया, सिद्धार्थ ने जन्म लिया ना 7 दिन बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उस समय पर ऐसा पहले चलता था कि मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, मृत्यु दर बहुत ज्यादा था, लेबर पेन हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं, अपन सोच नहीं सकते, मतलब ये कह रहा हूं कि मैं जब पुरुषों के सारे दर्द खत्म होते होंगे ना जीवन के, तब महिलाओं के दर्द शुरू होते हैं फिजिकली भी और मेंटली भी, लेकिन वो 24 घंटे तो एक्सप्रेस कर नहीं सकते। तो पढ़ा 10th की बायो में भी, महीने में 5 दिन तो परेशानी रहती है, 25 दिन की एफिशिएंसी है सोचो, फिर वर्कआउट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वर्किंग एफिशिएंसी कम है, लेकिन उन 25 दिन में वो 5 दिन को रिकवर भी करना है, फिर वापस साइकिल प्रॉब्लम है, इसलिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी लड़कों के साथ तो बड़ी परेशानी है, बेचारों को तो पूरा घर लेके चलना होता है, 12वीं कर लोगे फिर कमाने की टेंशन रहेगी, कि जब घर से निकलोगे शादी करके बाद आओगे तो कुछ ना कुछ लिपस्टिक लेके जाना पड़ेगा ना भाई, नेल पॉलिश या बर्गर वर्गर पिज्जा विज्जा, सड़ा दम लेके चले जाओगे तो सड़ा दम तो रोज देख ही रहे सामने वाले, भाई लड़के लोग समझ रहे ना यार, बुरा मत मानना यार, कमाना पड़ता है,
समझा तो? तो सिद्धार्थ ने जन्म लिया, 7 दिन में माता की मृत्यु हो गई। माता का नाम था महामाया, अपन याद रख सकते हैं महामाया, अपन नाम माता जी को इस तरीके से बोलते ही हैं, तो माता का नाम था महामाया। तो 7 दिन सुनो, तो महामाया ने जन्म दिया, मृत्यु हो गई, तो पालना तो पड़ेगा। पाला किसने? तो राजा ने कर ली शादी। और राजा ने जब करी दूसरी शादी तो किससे करी? सिंपल सा याद करना पड़ेगा, साली से कर ली। साली, साली होती ना वाइफ की, क्या बोलते बहन, उससे कर ली शादी। शादी घर वाली तो थी ना, उसका नाम था गौतमी। तो सिद्धार्थ को भी गौतमी पुत्र बोला जाता है, और उधर एक राजा था उसका नाम था सातवाहन का, गौतमी पुत्र शतकर्ण। इतिहास में चीजों को समझना पड़ेगा। इसलिए गौतमी ने पाला, तो इसलिए आगे चल के इनका नाम गौतम हो जाएगा, और गौतम से गौतम बुद्ध हो जाएगा। बड़े हुए थोड़े टाइम बाद बोले अब तू घर से बाहर निकलने की ज्यादा, क्योंकि उस समय तो राजा के बेटा कौन, राजकुमार, उस समय भगवान थोड़ी बने, ज्ञान प्राप्त होगा तब भगवान बनेंगे। तो बोले क्या, बोले अब राजा का ध्यान घर में ही रखने के लिए राजा ही करनी पड़ेगी शादी। तो राजकुमार की शादी कर दी, और सिद्धार्थ की शादी हुई यशोधरा से। किससे हुई? यशोधरा से। उस बीच क्या हुआ, राजा ने बोला मेरे को करना है नगर भ्रमण। नगर मतलब शहर। राजा ने बोला मेरे को करना है नगर भ्रमण। नगर मतलब शहर का भ्रमण करना है। ए बोले ठीक है। अब जैसे सीएम आता है मान लो नीमच में, सड़कों की इतनी साफ पड़ जाती है, फिर तय उतई करते जाएगी और नालियां वाले भी ढक जाएगी, और हर चीज का वेल मैनर, ट्रैफिक को बिल्कुल साइड कर दिया जाएगा। तो राजा तो सोचेगा कि डेवलपमेंट हो रहा है यार मेरे यहाँ, भाई आपके स्कूल में भी इंस्पेक्शन के लिए टीचर आता है, हिंदुस्तान पीछे क्यों है, जो चीज नहीं है वही चीज दिखाई जा रही है, चाहे पीएम हो सीएम हो, चाहे आपके स्कूल का टीचर ही क्यों नहीं हो इंस्पेक्शन वाला, उसको भी ये दिखाया जा रहा है ना बच्चा पढ़ रहा है, कॉपी कंप्लीट करवा देंगे भरवा देंगे, बोले तेरी कॉपी कंप्लीट नहीं है वो तो एब्सेंट हो जाना, आने ही मत, बात ही करता हूँ। मतलब जो टीचर पूरे साल तुम्हें बुला रहा है, वो टीचर तुम्हें 2 दिन बोला तुम आना ही मत बेटा, तुम्हारी प्रेजेंट ही लगवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यों कोई कल को तुम्हारी कॉपी चेक कर लेगी, हमारा नाम खराब होगा। तो हिंदुस्तान क्यों पीछे रह गया, जो असलियत है वो नहीं दिखाई गई। जापान सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब बम गिरे ना, 15 साल के लिए जापान का डेलीगेशन गया था यूरोप में, और वहां जाके देखा, बोले वहां सच्चाई दिखाई जाती है यूरोप में, फेल हो रहा दिखा दो भाई, फेल हो रहे हो मत छुपाओ ना, क्या दिक्कत है, कौन सा तुम्हें समाज रोटी दे देगा, गलती हो भी जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। आज कितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स जेल में रहकर आते हैं, फिर भी लोग उनकी इज्जत करते हैं, हाथ पे जोड़ते हैं, क्यों, पावर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कमजोर नहीं रहना, कोई भी चीज करो पावरफुल होके करना, कमजोर होके करोगे बदनाम हो जाओगे, पावरफुल लोगों को भी कुछ नहीं बोलता, समझा। अभी राहुल गांधी जी जेल में चल जाएंगे 4 साल के लिए, मान लो 2 साल के लिए जेल चल जाएंगे, उनको कोई कुछ बोल पाएगा, क्या पता 10 साल बाद वही पीएम बन जाए, कोई नहीं बोलता भाई, पावरफुल लोगों को कुछ नहीं बोलता। इसका मतलब लोग बोलते गरीब होना अभिशाप है, मैं कह रहा हूं कमजोर होना अभिशाप है। अगर आप ताकतवर हो तो आप गरीब हो ही नहीं सकते, पैसा तो चल के आएगा आपके पास, ताकत कैसी, लोग डरे आपसे ना भाई, वो नहीं, बुद्धि मतलब बुद्धि से ताकतवर होना, मन से ताकतवर और शरीर से ताकतवर, सोचने की क्षमता होनी चाहिए, किसी भी चीज में निकल जाने की क्षमता होनी चाहिए,
वो कोई छोटी चीज होती है आप लोग घबरा जाते हो, क्या होता है, कोई बात नहीं, पांच में शांत बैठो, चीजों को समझो, फिर उसका निर्णय लगाओ। अब हो गया ना, लेकिन अब आगे क्या करना ही करना पड़ेगा। अगर लेके बैठा तो लेके बैठो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये चीज है, नगर भ्रमण के लिए जाएंगे तो अपन देखेंगे उन्होंने नगर भ्रमण में क्या क्या किया। जब वो नगर भ्रमण के लिए गए ना, तो उनके सामने ऐसी ऐसी चीजें दिखाई गई कि सम्राट जो खुश है, सब खुश है, लेकिन मैंने क्या बोला, सच कभी छुप नहीं सकता, सच कभी नहीं छुप सकता। अब जैसे ही राजा का रथ आगे जा रहा था, अब वैसे तो बहुत सारी चीजें, राजा के घोड़े का नाम भी क्या था, उनके वो उसके जो घोड़ा चला रहा था उनका नाम भी क्या था, रथ का नाम क्या, ये सब आपके काम की चीज नहीं। आपको 12th में मैंने क्या बोला, बुद्धिज्म पढ़ना है, मैं तो 2 दिन में चैप्टर कराऊं या मेरी इच्छा में 1 हफ्ते में कराऊं, क्योंकि टीचिंग्स तो बतानी पड़ेगी ना, कुछ तो लेसन सीखो लाइफ में। अमृत है एनसीईआरटी, क्योंकि जीना सिखाई गया। लोग बोलते हैं आर्ट्स वालों के लोग हंसी उड़ाते हैं, समझा, क्योंकि उनको उस चीज का महत्व नहीं है ना। अभी तुम इस एक लेवल जनरेट कर लो 12th के बाद में, तुम इतने काबिल हो जाओगे कि तुम भूखे तो नहीं मरने वाले, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे अंदर एथिक्स आ जाएंगे। और जो बंदा एथिकल होता है ना, वो कभी भी मात नहीं करता। एथिकल मतलब मूल्यवान, नियम कानून, आप एथिकल हो बात करते हो, कैरेक्टर इसको बोलते हैं। नहीं तो साइंस मैक्स तो हमने भी ली थी ना, PCM, आज आर्ट्स की तारीफ कर रहे हैं, इससे बड़ा एग्जांपल क्या है। आप बोलोगे भैया आप तो सरकारी नौकरी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, अगर नहीं भी तैयारी कर रहे हम, तो जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा ना उसको भी ये बोल रहे हैं कि भाई पहले एनसीईआरटी को समझो, इतिहास को समझो, ज्योग्राफी को, राजनीति को समझो। अगर नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हो ना, तो पेपर नहीं निकलने वाले किसी के भी। जिसके अंदर समझ होगी वो आगे बढ़ेगा, और जिसके अंदर रट्टू तोता वाली कहानी है, तो आप क्वेश्चन ये नहीं पूछते हैं कि बुद्धिज्म किसने फैलाया और कितने दिन सालों तक तपस्या करी, कहाँ करी। अब क्वेश्चन आता है, बुद्धिज्म ने कैसे समाज को बदला, क्या लिखोगे, सोचते रह जाओगे, हाउ बुद्धिज्म चेंज दी सोसाइटी एट द टाइम ऑफ महाजनपद। अरे सिंप्लिसिटी दी लोगों को रूल्स दिए, लोगों को एथिक्स दिए, लोगों को डेडिकेशन दिया, लोगों को एक वैल्यू सिखाई, लोगों को रिस्पेक्ट करना सिखाया, ये बुद्धिज्म। वो लोग बैठे पड़े, क्या लिखे बुद्धिज्म, हम तो पढ़ के आए थे कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को फैलाया। अरे बौद्ध धर्म फैलाने से हुआ क्या, समाज बिल्कुल न्यूट्रल हो गया यार, लड़ाई झगड़े बंद, फिर सब वंश अपनी जगह पर राज कर रहे हैं, क्योंकि लोग बेवकूफ बनने से बच गए। तो सारी चीजों को बदलना है ना, तो जनता को बदलना पड़ेगा। किसको बदलना पड़ेगा, जनता को बदलना पड़ेगा। राजा को बदलने से कुछ नहीं होगा, ये राजा तो आज है कल नहीं होगा, लेकिन जनता आज है तो वो मैसेज, पूरी जनता अगला मैसेज भेजेगी आगे, समझे बात को। राजा तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम चेंज करेगा। तो क्या धर्म के जो फॉलोवर्स हैं वो अलग नहीं सोच सकते, बिल्कुल सोच सकते। जैसे बौद्ध धर्म टूट गया था आगे चल के हीनयान महायान में, जैन धर्म टूटा आगे चल के श्वेतांबर और दिगंबर में, हिंदू धर्म 2 ब्रांचेस में चलता है, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म आगे चल के बना सिया और सुन्नी में, और तो हर धर्म बटा है भाई। तो दिगंबर श्वेतांबर पूरे नहीं, शैव और वैष्णव पूरे नहीं, सिया और सुन्नी पूरे नहीं, क्योंकि उपजे तो एक ही जगह से। अब घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक अमेरिका जाके जॉब कर रहा है, एक इंडिया में कर रहा है, तो सबके जॉब करने का तरीका अलग हो गया ना, कमा तो सभी रहे, मतलब नियम तो पालन कर रहे ना, पालन करने का तरीका अलग है। जैसे जैन धर्म में एक जो है
आकाश को ही वस्त्र मानते हैं, तो एक है जो वस्त्र पहनते हैं, सीधी सी बात, कोई इशू नहीं। बात तो वस्त्र हुआ ना। अरे साइंस में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ ये बोतल कितनी भरी है, कितनी भरी है बोतल। अब तुम अपना गणित लगा के वो वाला बता दोगे, बेइज्जती करा दोगे, ये बोतल पूरी भरी है ना, आधे पानी से आधे हवा से। इसका प्रैक्टिकल भी है, जब आप इसको बाल्टी में डालते हो तो बुलबुले उठते हैं, बुलबुले बाहर आते हैं, फिर पानी भरता है। अब ये पानी मत पीना, वही होगी मेरे हाथ टेस्ट अलग आएगा फिर डस्टर वाला, समझे आपको। तो कुछ तो है, आपको लगता है कुछ नहीं है, कुछ जरूर है। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे आज, यहां से अपन बौद्ध के एक एक पॉइंट को कवर करते चलेंगे। मैं बौद्ध की टीचिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले स्टार्ट तो कर दूं फिर उसके बाद टीचिंग पढ़ाएंगे। तो चैप्टर आज स्टार्ट होगा, कल इंट्रोडक्शन था और अभी तक बेस था, डीजे वाला नहीं, डीजे टीचिंग नहीं तो सबको भी धीरे धीरे खुद लड़किया। देखो अब देखो, हमने एडवर्टाइजमेंट करना छोड़ दिया है, गौतम बुद्धा जो थे उनका जो पहला नाम था वो था सिद्धार्थ, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ ना वो हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ जन्म हुआ था ब्रदर? लुम्बिनी नेपाल में। और इनका जन्म हुआ था 563 BC में। ये क्या कह सकता हूं मैं महाजनपद पीरियड है, हाँ, क्योंकि 544 से तो महाजनपद शुरू हुआ था। और पहला राजा कौन बना था हजेन डायनेस्टी का? बिंबिसार। उसके बाद कौन आया? अजातशत्रु। संध्यात को तो लुम्बिनी में जन्म हुआ, ये हो गया बर्थ प्लेस, ये हो गया नेम। इनके फादर नेम जो था वो था सुधोदन। क्या था? सुधोदन। जो जो कौन से कुल के थे? कुल होता है ना, कुल, आप किस कुल के हो, है ना। इनका कुल जो था वो कुल था शाक्य कुल। कौन सा कुल था? शाक्य कुल था। और ये किंग थे, अगर ये किंग थे तो ये कौन थे? क्षत्रिय थे। कौन थे? क्षत्रिय थे। यहां तक समझ आया? इनकी माता का नाम, मदर्स नेम, माता का नाम जो था महामाया। लेकिन कुछ समय बाद आफ्टर 7 days वो जब डेथ कर जाती हैं, तो उनको दूसरी मदर पालती हैं जिनका नाम था गौतमी, ठीक है। 16 years की एज में इनकी शादी हो जाती है, 16 हो गई थी मेरी, 28 यशोधरा जी से, यशोधरा जी से इनकी शादी हो जाती है 16 इयर्स की एज में। यशोधरा जी से इनकी शादी हो जाती है 16 इयर्स की एज में, 16 साल की। यशोधरा प्लस सिद्धार्थ से एक लड़का होता है जिनका नाम होता है राहुल। राहुल ये राजा बना देगा, राजकुमार बनेगा वाले। और ये जो राहुल होता है ना, इसका नाम एक्सीडेंटली पड़ता है, मैं बाद में बताऊंगा, कोई इशू नहीं। ये पूरा इंट्रोडक्शन है, लेकिन अब जब ये घर से निकलेंगे वो इंट्रोडक्शन अलग होगा ना। ये इनका एक नेटिव इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन ये जब घर त्याग देंगे वो क्यों त्यागेंगे वो दूसरी स्टोरी है। तो ये पहली स्टोरी, दूसरी स्टोरी। गुप्ता खड़े जाओ, पूरे 2 घंटे खड़े रहोगे,
ठीक है, इतना लिख लो जल्दी की तरह अपना जीवन जी रहे थे, राजकुमार की तरह ऐशो आराम के साथ में बंगले पे, शादी हो चुकी थी, बाहर नहीं कोई जरूरत नहीं कि शादी की, मतलब पिताजी बोलेंगे बाहर क्या करने जाएंगे, शादी करी इसलिए थी कि बाहर ना जाए, इनका मन एक ग्रस्त जीवन जब हो जाता है इंसान बड़ा व्यस्त हो जाता है, ग्रस्त जीवन हो जाता है इंसान व्यस्त हो जाता है, तो उस ग्रस्त जीवन में क्या होता है इंसान बिजी रहे और खुश रहे इसलिए शादी करी जाती है, तो उनकी शादी कर दी गई, कुछ वक्त उन्होंने बड़ा अच्छा निकाला अपनी पत्नी के साथ में, लेकिन हुआ ये, मैंने कल भी आपको बताया था कि वो नगर भ्रमण पे गए, और जब वो नगर भ्रमण पे गए ना, ये रियल कहानी है, इसमें कोई एडिशन नहीं किया गया है, एडिटिंग नहीं करी गई है, गुप्ता ध्यान से सुनो। अब वो जब नगर भ्रमण पे जाते हैं तो उनका सामना चार जनों से होता है, कितने जनों से? चार जनों से। जब सिद्धार्थ अपने रथ पे बैठ के, रथ पे बैठ के, रथ ये तो घोड़ा है, सुनो बस गाना वाला तो चाहिए चाहिए क्या, तो जब ये बातें नहीं, जब सिद्धार्थ अपने रथ पे बैठ के नगर भ्रमण पे निकलते हैं तो उनका सामना चार लोगों से होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और सुनो, ए उनका सामना चार तरह के व्यक्तियों से होता है, उनके घोड़े का नाम कंतक था, लेकिन आपको लिखना है तो ठीक है, तो कोई करें, लेकिन जब ये अपने रथ से निकल रहे और रथ को चलाने वाला रथ को आगे ले जा रहे, तो सबसे पहला सामना इनका होता है एक बूढ़े व्यक्ति से, जो बड़ा बूढ़े बुढ़ापे में बड़ा झुर्रियां उठिया जाती है, एक चेहरे पे जो ग्लो होता है वो खत्म हो जाता है, एक एक्टिवनेस इंसान के अंदर बिल्कुल डिक्लाइन लेवल पे चली जाती है, और इंसान बूढ़े होने पर रोज के दिन काट रहा होता है कि आज का दिन निकलेगा फिर कल का दिन आएगा, फिर कल का दिन निकलेगा तो परसों का आएगा, मतलब मजबूरी का जीवन वृद्ध अवस्था में मानव जीने लगता है। ये सिद्धार्थ ने देखा तो इसने अपने रथ वाले चलाने वाले से पूछा कि ये कौन सी अवस्था है, तो बोले ये कौन सी अवस्था है, तो बोले ये वृद्धावस्था है, तो बोले ये इतना परेशान और इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है, बोले ये जब इंसान उम्र को पार कर जाता है तो उसके बाद में वो इसी उम्र में चले जाता है और वो एक पीड़ा में चले जाता है, क्योंकि वो ऐसा जीवन जी रहा होता है जिसका जीवन बड़ा सुखमय था, पारिवारिक जीवन था, परिवार में नहीं था तो व्यापार चल रहा था, करोड़पति था, बड़ा अच्छा व्यापारी था, सेठ था बड़ा, बोले अच्छा ऐसा होता है, तो बोले कल को मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, बोले बिल्कुल, तो उसको बड़ी घृणा से हुई कि उसका लगाव जिन चीजों से है वो चीजें आज भी तो कल छूट जानी है, मैं कहता हूं जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ोगे ना तो आपकी भी एक लेवल पे ये समझ आ जाएगी कि वो माया हो लेकिन उतनी हो कि जितनी छोड़ पाओ, मतलब कोई चीज तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है तुम उसको कितना पाना चाहते हो, ये उस दिन मत चेक करो जिस दिन तुम पाना चाहते हो, इसके अगले दिन देखो तुम बोलोगे अरे तो नॉर्मल सी चीज थी मैं जिसके लिए इतना परेशान हो रहा था, और ये बड़ा प्रैक्टिकल है, घर वाले कहीं जा रहे हैं नहीं ले जा रहे, जीत पाकर अड़े जा रहे हो, अपना एकदम टेम्परामेंट बढ़ा दिए, एकदम पूरा टेम्पर खो दिया अपना, लड़ ली घर वालों से, इतनी मोहमाया लगा दी बाहर घूमने को लेके, कल को पता पड़ता है कल का दिन उगता है मम्मी आप घूम के आ जाते हैं नॉर्मल से, सब बाद में पता पड़ता है जिस चीज के लिए मैं इतना लड़ रहा था वो चीज सच में भी इतनी काबिलियत नहीं थी, या सच में वो इतनी चीज लगाव वाली नहीं थी जितना मैंने उससे लगाव लगा दिया, मतलब एक समय तक
आपके लिए वो चीज किफायती रहेगी, उसके बाद उस चीज को खो बैठो। दुनिया में जो सिर्फ सच्ची चीज है ना, जो सबसे बड़ा सच है, वो सच है मानव का अंत। जो दोस्तों से लगाव है, घूमने से लगाव है, अपने रिश्तेदारों से लगाव है, अपने मम्मी पापा से लगाव है, ये सब दुख का कारण है। इस लगाव को छोड़ दें, नहीं, इस लगाव को नियंत्रित करके रखा जाए, तब मानव जीवन सफल बन पाएगा। नहीं तो जब एक स्तर पर रहोगे तो दूसरे स्तर पर कैसे जाओगे? क्यों? क्योंकि उस उलझन में से निकलेगा कौन? दूसरे जब व्यक्ति से इसकी मुलाकात होती है, इनकी, सिद्धार्थ की, अभी गौतम बुद्ध नहीं, तो वो एक बीमार व्यक्ति होता है, जिनकी मृत्यु निकट है। बोले ये क्या है? बोले बीमारी है। बोले बीमारी क्यों? बोले हो सकता है कि शरीर काम ना कर रहा हो, शरीर का कोई अंग खराब हो गया। बोले कल को मेरे साथ हो? कहा। तो दूसरा लेसन क्या मिला? शरीर भी अपना नहीं, जिसका कमेंट कर बैठे, ये शरीर भी अपना नहीं है जिसका अपन गमन कर रहे हैं। 2 साल बाद चेहरा बदल जाना है, नई स्किन आ जानी है। 4 साल बाद फिर चेहरा बदल जाना है। 5 साल बाद बाल भी उड़ जाएंगे यहां से, जितने यूं यूं करते हैं ना, वो नहीं उड़ेंगे, सफेद हो जाएंगे, हमारी दाढ़ी सफेद होगी। भाई क्या कर सकते हैं? अब कटिंग करने का नहीं बोल रहा भैया, दाढ़ी के सफेद सफेद बाल को मिला नहीं भाई, बिल्कुल मत काटना। क्यों काट रहा भाई? तो सच्चे वो है ना, क्या कर सकते हैं? आप कितना लिपा पोती करोगे? घर जाके मुंह तो धोगे ही, तब असलियत सामने। तो इस शरीर भी अपना नहीं है जिसका घमंड है, 10 साल बाद, अरे भाई ऐसा ना बोलू, लेकिन क्या पता कल को अपन निकले और हो सकता है एक्सीडेंट में चल रहा हूं और मेरा पैर मुड़ जाए, पैर टूट जाए, फिर मैं विकलांग हो जाऊं, तो किस चीज का घमंड? कल देखा मैंने, नहीं ना, जीवन भर इस तरीके का तो नहीं रहने वाला, और कोई भी नहीं रहने वाला। मैं तो मेरा एग्जांपल देखा था जिससे तुम्हें ना बुरा लगे। तो दूसरा लेसन क्या? कि शरीर भी अपना नहीं है, ना तो अपने अपने, ना शरीर अपना। तो बौद्ध धर्म मोह माया से दूर करने वाला धर्म है, वैराग्य प्राप्त करने वाला धर्म है, मोक्ष प्राप्त करने वाला धर्म है, ईश्वर के पास ले जाने वाला धर्म है, संत बनाने वाला धर्म है, ज्ञान देने वाला धर्म है, साधारण जीवन जीने वाला धर्म है, किसी का बुरा ना करने वाला धर्म है। बोले तीसरा, तीसरे में एक व्रत व्यक्ति जा रहा था 4 कंधों में। असली डोली तो वो सजती है ना भाई, जो आखिरी यात्रा होती है। बोले ये क्या है? बोले आदमी मर चुका। बोले कल को मैं, हाँ बिल्कुल, आप भी चले जाओगे दुनिया से। तो बोले मैं ये सब जो जी रहा हूं, मेरा शरीर, हाँ ये त्याग दोगे? शरीर भी गया, अपने भी गए, तीसरी वाली कंडीशन में तो दुनिया से चले गए भाई, तो रह क्या गया? कुछ अपना नहीं है, जो हवा का जीवन है ये एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। ये सिर्फ एक लाइन की असलियत है जीवन की, जिसको समझ जाओगे ना तो आधे दुख तुम्हारे जीवन के खत्म हो जाएंगे। कोई छोड़ रहा है छोड़ने दो, कोई आ रहा है आने दो, कोई जा रहा है जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है। इस्लाम धर्म में तो पुनर्जन्म की भी बात नहीं है, हिंदू धर्म में तो है पुनर्जन्म की बात, लेकिन फिर कितनी शरीर को पार करके हिंदू धर्म मिलेगा या जन्म मिलेगा इस धर्म में, तो कितना इंपॉर्टेंट अपना लाइफ हो जाएगा। और अपन उसको किसी के लिए, जब वो टाइम याद करो जब जीवन का आखिरी पल चल रहा होगा, जब बुढ़ापा आ गया होगा और कोई ना कोई बीमारी ने बहाना पकड़ लिया होगा ले जाने के लिए, पक्का बीमारी पकड़ेगी कोई बहाना,
किसी को किडनी, किसी को लीवर, किसी को हार्ट, किसी को चेस्ट, किसी को बैक, किसी को ब्रेन, किसी को पैराडाइज। तब वो समय याद कर रहे होंगे अभी कि उस समय पर काश जीवन खुल के जिया होता, खुश होके जिया होता, अकेले रह के जिया होता। तब अपनी और अपनों की असलियत सामने आ जाएगी। जो अपनों को लेके इतना तुम बुरा सोच लेते हो ना, आज मैं दूध लेने गया 3:30 बजे, धूप का टाइम था, कोई दुकान खुली रहती नहीं, दिन के समय सब बंद रखते हैं, और डेयरी वाले तो बंद ही रखते, दिन में कौन दूध खरीदता, सही बात है। हमारे मेहमान आने रहते गुजरात से, दूध लेने गया इधर इधर उधर सब जगह पर, कहीं दूध लेगा इधर एक आगे एयरपोर्ट को, उधर एक दूध दे रही है, उसकी आधी शटर खुली थी, मैं नीचे रख के मेरा दूध तो सो रहा था, लंच टाइम है भाई, सही बात है, इंसान दूध वाला सो, तो मैंने बोला आधी शटर खुली है, तो बोले भाई आधी शटर बंद भी तो है, ना वेरी गुड, मैं उठाया घर उठाया करा गया क्या करे, सही बात बोली उसने, बोले भैया हम सुबह 6 बजे से 4:30 बजे से उठे रहते हैं, हम दूध बेचते हैं, अभी हम अभी टाइम मिला है, फिर अभी से 6 बजे तक ग्राहकी शुरू हो जाएगी, पर ठीक है भाई सॉरी। फिर मेहमान थोड़ा पुराना दूध था, 2 दिन पुराना, हम भी 2 दिन पुराने, कल का है दूध, आज लिया ही नहीं ना, आज तो सुबह से गाँव में थे, कल का दूध वैसे वेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं खराब नहीं होता, फ्रिज में रखा, फ्रिज तो है भगवान की दया, छोटा वाला और बराबर है, क्योंकि जो फ्रीजर है ना उसका ढक्कन ही टूटा हुआ है, तो कोई भी चीज हम झुकते नहीं है, दाल भी रखनी तो वही सुबह उठ रही तो खुराक खुराक दाल, सब्जी पनीर, ये तो सब्जी तोड़ रहे तो चौथा जो था ना भाई, चौथा जो था जिनसे मुलाकात हुई कौन था, पता भी नहीं है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट बता दूं वो धर्म, तो तुम उस धर्म की इंपॉर्टेंस नहीं करोगे, तुम जो चीजों से लगाव करते हो ना उस चीजों से लगाव हमेशा करते रहो, बस इतना ध्यान रखना कोई भी तुम्हारा नहीं है, कोई भी मतलब इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है, माता पिता को छोड़ के बोल रहा हूं ये बात, एक रिश्ता भाई भी तब रहेगा, जो बोल रहा था अगर भाई की तारीफ कर रहा था, भाई की शादी जाएगी तो भाई भी व्यस्त हो जाएगा, तो एक समय तक सब साथ देते हैं, फिर उसके बारे में सब अपना पर्सनल हो जाता है, तो ये चीज पहले ही समझ जाओ तो ज्यादा बेटर है, कोई कुछ बोल रहा है बहुत ज्यादा बुरा लगा तो इसका मतलब समझो तुम्हारे को तुम्हारे अंदर उसको लेके बहुत ज्यादा लगाव था यार, वो इतना लगाव अगली बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी तो उतना काबिल हो, समझे बात, हम सब खेल मोह का है, माता पिता का हो और ऊपर वाले का, क्योंकि संकट की घड़ी में वही बचाने वाले हैं, और कितने अति से अति बुरा कर दोगे ना किसी का, या तो माता पिता की शरण में जाओगे, ईश्वर की शरण में ही जाओगे, हे भगवान बचा ले, ये तुम ही बोलते हो, हे भगवान पास करा देना, हे भगवान झूठ बोल दे बचा लेना, तब भगवान याद आते हैं, तो खुशी रहने खुश रहने के समय पर याद करो, वो भी सोचेगा यार इसका मन खुश है, खुश मन से मेरे को याद किया है, तो इसके साथ हमेशा रहो, हमेशा भगवान को थैंक करो इतना अच्छा जीवन दिया, हमेशा भगवान को थैंक करो इतना अच्छा माता पिता दिया, हमेशा भगवान को थैंक करो कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, ये सांस हमें मिल रही है, ये बड़ी बात है, ये सब भी उसकी इच्छा से रहा है, बच्चे बोले थे भाई सुसाइड, मैंने बोला वो भी भगवान की इच्छा से हो रहा है, तुम्हारी इच्छा से नहीं हो रहा है, समझे बात, तो बोले चौथा कौन, जिसने गौतम बुद्ध के सारी इंद्रियों को जगा दिया, वो चौथा कौन, कौन चौथा, जो इन तीनों से अलग होगा वही तो होगा, जिसने बुद्ध को जगाया, सिद्धार्थ को जगाया, कौन, जो मोह माया से परे है, जो लोगों के लगाव से परे है, जो इच्छाओं से परे है, जो प्यार से परे है, संत सन्यासी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा दुनिया में क्या हो रहा है, पहाड़ों पर रह रहे हैं,
ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। बोले आज के समय पर भैया सन्यासी बनना, ये बड़ा प्रश्न, ये बड़ा सबसे बड़ा सवाल है। बोले हमें ही बनना है गौतम बुद्ध की तरह, गौतम सिद्धार्थ की तरह, हमें भी सन्यासी बनना है। हाँ तो ये भी तो बने, ग्रस्त जीवन में रहते हुए बने ना। गौतम बुद्ध बन के वापिस गए थे घर पे पत्नी से मिलने, पत्नी बोले आ गए, बोले हाँ। तो पत्नी बोले आना तो पड़ा, तो बोले अगर नहीं जाता तो बुद्ध नहीं बनता, और अगर बुद्ध नहीं बनता तो दुनिया के अंदर जो कष्ट है ना वो खत्म नहीं होते। बुद्ध ने एक ही चीज सिखाई दुनिया को, तोड़ो वही चीज जो जोड़ी जा सके, नहीं तो तोड़ना मत। लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, जोड़ना आसान है। लोग दोस्ती तोड़ देते हैं, जोड़ना आसान है। लोग एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं, जोड़ना आसान है। तो वही चीज तोड़ो जो जोड़ना आसान है, जिसको जोड़ सको। और जो अपनी है वो तो वैसे भी नहीं टूटनी है, ये बुद्ध ने सिखाई है। तो मोह लगाना ही किससे, जो अपना है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ना, और जो छोड़ के चले गया वो अपना ही नहीं था, समझे बात। तो बोले मोह माया सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ी जड़ है। किसी भी चीज से लगाव होगा ना वो दर्द देगी, दर्द देगी। मेरे मंगाए थे फ्लिपकार्ट से 450 के चप्पल, भाई 2 दिन हुए यूज करे हुए, और हमारे यहाँ पे कुत्तों का कहर बहुत ज्यादा है। बाहर रखी और एक चप्पल एक अकेली को छोड़ गया उसको, फिर उस चप्पल पे दया रही तेरे को नहीं लेके गया, वो ढूंढा तो उसका फीता बाहर फाड़ गया उसने। अब कितने ही जोड़ू मैं उसको, कितने ही जोड़वा लू, भाई खराब तो हो गया, एक दो दिन बुरा लगा। 450 रुपए बोले कि नहीं, वो चप्पल बड़ी शानदार थी, लगाओ लगाओ दुख देता है। यू नहीं मोबाइल निकाल के दूसरी ऑर्डर कर ले, 2 दिन बाद याद आया यार दूसरी ऑर्डर कर लूंगा दूसरी ऑर्डर। मतलब कुछ चीजें होती है जिसकी कीमत निर्णय नहीं करती कि आप उसको लगाओ करते हो, आपका दिल निर्णय करता है। ये बुद्ध ने सिखाई, बोले इच्छा नहीं रखनी है, जा रहा है जान दो, कोई आ रहा है आन दो, ये प्रकृति है। और बदलाव होगा, और बदलाव नहीं हो रहा इसका मतलब तुम प्रकृति के साथ नहीं चल रहे हो, तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। तो बोले भैया क्या अभी जो रिलेशन चल रहा है उसको तोड़ देना है रिलेशन? नहीं भाई, ये नहीं बोल रहे हैं, समय के साथ बदलना आपने। अगर हम भी अभी डिजिटलाइज नहीं होते मोबाइल की तरह, यही ज्ञान दे रहे होते और तुम ले रहे होते, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। लेकिन सच तो और आगे होगा, हम व्हाट्सएप चला ही नहीं रहते तो हम लोग कहाँ से पहुंचता। समय के साथ बदलना पड़ना है, जरूरी है, ये तो वो चीजें दुख देनी है। ये बुद्ध ने सिखाई। तो बोले था कौन सा था? बोले सन्यासी, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं था, वैराग्य प्राप्त कर चुका था। घर आए, बोले मुझे घर छोड़ना है अर्जेंट में, इमीडिएटली। क्योंकि संत तो बोल चुके थे, भविष्यवाणी कर चुके थे पंडित लोग जन्म के समय पर कि ये कुछ बड़ा करने के लिए जन्म लिया इन्होंने। आप कितने चार दीवारी के अंदर रख लेना, एक क्रांतिकारी आदमी है, बदलाव तो करेगा। और इनका जो इंसिडेंट हुआ ना वो हमेशा बैसाख पूर्णिमा के समय पर हुआ, जिसको अपन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से बनाते हैं, बैसाख पूर्णिमा। इनका जन्म भी बैसाख पूर्णिमा पे हुआ, इन्होंने घर भी बैसाख पूर्णिमा पे छोड़ा, इनको ज्ञान भी बैसाख पूर्णिमा प्राप्त हुआ, इनकी मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा को ही। ये महान लोगों के जीवन में होता है। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु जब हुई थी तो उनके प्राण यहां से निकले थे, जब वो नल के नीचे से उठ रहे थे ना, मतलब नल ऊपर था उठ रहे थे, नल उनके यहां टकरा गया था और यहां से उनकी मृत्यु हुई थी। ऐसा बोलते हैं जिनकी मृत्यु यहां से निकलती है, जिनके प्राण यहां से निकलते हैं। लोग प्राण निकलते हैं, नाक से खून निकलता है, मुंह से खून निकलता है, नाक से मुंह से खून निकलता है, आप कान में से खून निकलता है, यहाँ खून निकल रहा है इसका मतलब प्राण यहाँ से निकले हैं। यहाँ से जिसके प्राण निकलते हैं वो महान लोग होते हैं। स्वामी विवेकानंद महान आदमियों में से, उनके प्राण यहाँ से निकले थे। 30s की एज में उनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदुइज्म को बड़ा प्रभाव किया, पूरे दुनिया में हिंदुइज्म को बढ़ाया उन्होंने और इंडिया को बढ़ाया।
बोले तुम इंडियन लिटरेचर को बुरा मत कहना, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास प्रूफ है। किताब की किताब याद रहती थी, इस पेज नंबर पे ये लाइन लिखी है, नंबर है। तो वो महान थे, संत कहा जाता है जिन्हें, उन्हें त्याग करना पड़ता है। अभी ये जो सन्यासी थे उन्होंने भी दुनिया को त्यागा ना, तब जाके सन्यासी बने। क्या त्यागा? मोह माया को त्यागा। अभी गौतम बुद्ध भी छोड़ेंगे घर, सिद्धार्थ भी घर छोड़ेंगे, त्यागोगे तो मिलेगी चीज, बिना त्यागे ईश्वर नहीं मिलने वाले। किसको त्यागना है? जिससे मोह है ना, उससे मोह हटा के ऊपर वाले से मोह लगा लेना, ईश्वर मिल जाएंगे। ग्रस्त जीवन जियो, शादी करो, घूमने जाओ, बच्चे पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो गलत नहीं है। गलत क्या है कि जब आप ईश्वर को छोड़ देते हो तो ईश्वर आपको छोड़ देता है। समझे बात को? जब आप ही उनकी उंगली छोड़ दोगे तो आपके आपको जबरदस्ती उंगली पकड़ के थोड़ी आगे चलाएंगे। घर आके बोले त्याग रहे घर, घर छोड़ के चले गए। कहाँ गए बताए कोई? लेकिन वहां डायरेक्ट नहीं गए, इसके पीछे का लॉजिक है। डायरेक्ट नहीं गए, इसके पीछे का लॉजिक था। पहले बताए कहां गए? जन्म लुम्बिनी, वहां से आए सारनाथ। सारनाथ यूपी वाला इलाका है, और आज के समय पर सारनाथ जो है वो बनारस है। क्या है वो? वहां गए और अपने साथ में चार लोगों को और लेके चले गए। बोले चल भाई सन्यासी बनेंगे। तो बोलने पे कोई सन्यासी बनेगा क्या? मानने पे बनोगे भाई। मैं तुम्हें खींच के मंदिर ले जाऊं ना, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद नहीं आएगा। तुम खुद से जाओगे ना तो आशीर्वाद। तो कभी भी दो चीजों के लिए कभी किसी से नहीं पूछना, भजन और भोजन। क्योंकि दोनों चीजें अगर इच्छा से हो तो ही डाइजेस्ट होंगी। दस लगे भोजन में मस्ती कराओगे तुम। तो पहले गए सारनाथ अपने पांच दोस्तों के साथ। आ जाओ कोई बात नहीं, पांच दोस्तों के साथ गए। और खतरनाक तपस्या, 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था। कब? 29 इयर्स की एज में घर छोड़ा सिद्धार्थ ने। अभी गौतम बुद्ध नहीं बने और चले गए कहां? सारनाथ यूपी। तो आप बोलो मैं बोध गया बिहार क्यों? होता है पांच लोग तपस्या कर रहे खतरनाक, और मैंने बोला एक्सट्रीमिज्म दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। बोलना नीचे जिंदा वाली बात नहीं, सॉरी, एक्सट्रीमिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक्सट्रीमिज्म मतलब आप एकदम क्रांतिकारी नहीं हो सकते भाई, क्योंकि आप जो क्रांतिकारी होगा आप ओपन हो जाओगे। बोले भगत सिंह गलत ना, भगत सिंह गलत नहीं यार, भगत सिंह क्रांतिकारी थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। भगत सिंह को तो कमर्शियलाइज लोगों ने दिक्कत दी, गांधी जी ने दिक्कत नहीं दी थी, पर पढ़ाएंगे कभी। तो बोले क्या घोर तपस्या कर रहे पहुंच, तपा दिया अपने आप को भी पूरे। सामने से एक महिला जा रही थी, वो बोले ये क्या हो रहा है? वो आई सिद्धार्थ के पास, बोले क्या कर रहे हो? बोले हमें ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष की है, ये मोह माया से परे जाना है दुनिया के। बोले क्या ऐसी तपस्या करोगे? बोले ईश्वर कभी जीवन में तुम्हें ज्ञान नहीं देने वाला। बोले क्यों? बोले ईश्वर खुद डर जाएगा, बोले इतनी तपस्या करके अगर ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये ज्ञान का कहां कहां उपयोग करेगा और दुरुपयोग करेगा। रावण ने करा था घोर तपस्या और ज्ञान प्राप्त किया, शिव जी को अर्जित कर लिया, और गलत उपयोग किया अपनी शक्तियों का। इतिहास का हर हिस्सा कुछ सिखाता है तो पढ़ाएगा। महिला ने बोला ये तुम ऐसे ज्ञान प्राप्त करोगे ना, ईश्वर कभी ज्ञान नहीं देगा। बोले इतनी घोर तपस्या करके ज्ञान करके करेंगे क्या, व्यापार करेंगे क्या ज्ञान का, कि दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति बनेंगे ज्ञान लेके? तब सिद्धार्थ को समझ में आया, बोले नहीं यार घोर तपस्या नहीं करनी है, सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन होकर उनको ईश्वर को याद करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, आराधना करनी है। फिर वो गए, चारों को बोला चल रहे? बोले नहीं,
हम तो इससे हमें तो ज्ञान प्राप्त होगा, आदि आदि तपस्या से छोड़ के जा रहे हो। बोले हम तो जाएंगे। सिद्धार्थ चले गए कहाँ, बोध गया बिहार में, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और पीपल का वृक्ष में आज भी जाने हैं, 2,500 साल पुराने, वह ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। 6 वर्ष बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा बोला था वैशाख पूर्णिमा का दिन था जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बड़ी हवा तेज बहने लगी, आकाश में अच्छी गड़गड़ाहट होने लगी, चिड़िया चहकने लगी, सारे जानवर उत्सव बनाने लगे और वहां पे बड़ी सुगंध फैलने लगी और उनके आसपास उजाला हो गया। एकदम नए वस्त्र के साथ में अर्पित हो गए और पूरा शरीर एकदम ऊर्जा के साथ में आ चुका था, क्योंकि जब तपस्या कर रहे थे कीड़े मकोड़ों ने उनको काट चुके थे। जब आप आराधना करते हो तो आप भगवान की आराधना कर रहे हो, तो आपको तो खोना पड़ेगा। अगर आपका ध्यान हुआ है कीड़ा काट रहा है, इसका मतलब आप भगवान को थोड़ी याद कर रहे हो। ऐसे थे हमारे अक्सर, कई बार ऐसा होता है आप पढ़ रहे हो और आपकी मम्मी आवाज आती है, आप सुन नहीं पाते हो, इसका मतलब पूरा खो चुके हो उन चीजों में। टीवी देख रहे हो जीवन लटकी पड़ी, मम्मी आवाज लगा रहे बेटा ऊपर कर इसको मोड़ के, नहीं क्यों, पूरा ध्यान है वहां। इसी को तो बोलते ध्यान, खो जाना किसी चीज में। वो खो गए, वो जो उनके बाल है ना, ऐसा बोलते उनको दो दर्शन हुए थे, सांख्य दर्शन और योग्य दर्शन। योग दर्शन वो हमेशा उन्होंने किस दर्शन को अपनाया, योग दर्शन को, तभी तो वो योग की मुद्रा में बैठ रहे थे बुद्ध। उनके ऐसे बाल है ना तो घुमरा ले घुमरा ले, वो बाल नहीं है उनके, वो घोंगे होते हैं, घोंगे कीड़े, वो उनके ऊपर आके बैठ गए थे। क्यों, सूरज की रोशनी पड़ रही थी पूरे सिर पे। तो अगर आप ईश्वर की हो, याद करते हो, ईश्वर को मानते हो, तो ईश्वर भी आपकी सहायता करता है। और पूरा उन पर ऐसी छतरी बन गई थी जिससे ऊपर का प्रलय उनके ऊपर ना आ सके। अब ठंड गर्मी बरसात, ये बाल क्यों है, बचाने के लिए। अभी काट लो तब जाओगे जमीन, टकला उजाला करेगा पूरे हिंदुस्तान में, समझे आपको जलेगा सिर एकदम। ये बचाने के लिए है, सब चीजें नेचर ने प्रकृति ने दी आपको, समझे बात को। तब जाके इनको बौद्ध गया ज्ञान प्राप्त हुआ। 6 वर्ष बाद 29 वर्ष में निकले थे, 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर वापिस आए सारनाथ, कल लिखवा दूंगा, और अपना पहला ज्ञान दिया, उपदेश दिया। इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब घर से निकले थे उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। लिखवाऊंगा तो ये कि उनको एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट मतलब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहां पर, बोध गया में। कहां प्राप्त हुआ, बोध गया में। दूसरी चीज, इन्होंने अपना फर्स्ट स्पीच मतलब पहला उपदेश इन्होंने अपना दिया किसको, किसको नहीं, कहां पर पहला उपदेश दिया इन्होंने, सारनाथ में। सारनाथ जो आज के समय वाराणसी यूपी में है। ज्ञान एनलाइटमेंट बोध गया है ना। और इनका जन्म तो अपने देख ही लिया, बर्थ प्लेस इनकी क्या थी बेटा, लुम्बिनी नेपाल में। तो आप बोलोगे चौथी जगह कौन सी जहां पर इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु जो हुई वो 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। इसको 583 कर लो, इसको 463 करो, 563 नहीं है वो, 583 कर लो उसको। शादी हुई, बच्चा हुआ, बच्चे को अगर साम्राज्य को उसी समय पर छोड़ देते हैं एकदम। आप जो कालखंड जानना चाह रहे हैं
आप उनकी डेली लाइफ जानना चाहेंगे तो इतिहास थोड़ी ना इतना बताएगा। इतिहास आपको ये बताएगा कब छोड़ा, किस उम्र में छोड़ा, किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ। इतना लिख लिया। अब कुछ सिंबल्स अपन को याद करने, कुछ सिंबल, सिंबल मतलब होते हैं चिन्ह, सिंबल मतलब होते हैं चिन्ह। अबे ये ब्लैक में ब्लू चल रहा है तो ब्लू में ब्लैक चल रहा होगा पक्का। अरे सिंबल्स, सिंबल्स मतलब होते चिन्ह, चिन्ह मतलब जब इन्होंने जन्म लिया तो इनके बर्थ का सिंबल जो है वो है लोटस, वो है लोटस। जब ये घर से चले गए, जब इन्होंने त्याग दिया घर, when they go for the enlightenment, उसको साइन दिया हॉर्स से। किससे साइन दिया? हॉर्स, घोड़े से। जब वो घर से निकले तो उसका चिन्ह क्या था? हॉर्स। जन्म लेने का जो चिन्ह था सिंबल वो लोटस है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था ना, टूटी हुई बेड़िया मतलब लिबर्टी, इस तरीके से। इतना समझ में आ गया। अब अपना आगे बढ़ेंगे। लिख लिया भाई, उसके नीचे क्या लिखा है? When they go for the enlightenment, horse। यहां से अब कुछ चीजें और जानेंगे, कुछ टिपिकल वर्ड्स आएंगे, जो वर्ड्स आपको सच में पढ़ना है और पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, बोर्ड में। जब वो घर से निकले ना, जब उन्होंने घर त्याग किया था, जब उन्होंने घर त्याग किया, उस वर्ड को बोला जाता है महाभिनिश। ये इंग्लिश में भी ऐसे लिखते हैं ना, महाभिनिश क्रमण। जब उन्होंने घर त्याग किया, कौन से कंडीशन में? ग्रह त्याग करने की। महाभिनिश क्रमण। दूसरा पॉइंट, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको बोलते हैं धर्म निर्वाण। लिख रहे शिव निर्वाण और महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु हो जाना। वो है जब उन्होंने अपना उपदेश दिया, वो धर्म चक्र। वो फर्स्ट स्पीच को बोला गया धर्म चक्र प्रारंभ। हाँ, लिख लो ना, फोर्थ में लिखो। फर्स्ट स्पीच को क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताता हूँ। ज्ञान प्राप्त को बोला गया निर्वाण, मृत्यु को बोला गया महापरिनिर्वाण, पहला उपदेश को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन, और घर से बाहर निकलने को बोला गया महाभिनिष्क्रमण। ये चारों वर्ड याद करो तो ही आगे बढ़ेंगे।